हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिया फैमिली ब्लॉग्स। ये देख लीजिए सुबह सुबह का मौसम, अभी 5:45 बज रहे हैं। रात में भी आंधी बारिश दोनों हुआ है, अभी साफ है। पर ये दोनों स्कूल के लिए तैयार है, अपना स्कूल जाने का तैयारी पूरा हो चुका है, केवल जाने वाले हैं। टाइम मैं आपको दिखा देती हूँ, 5:45 बज रहा है। इसमें 6 है, ये 15 मिनट आगे है, पूरा 5:45 है। मेरा झाड़ू निकालना मैंने शुरू कर दिया, क्योंकि बच्चे जाने के तुरंत बाद तो मुझे निकालना नहीं, इसलिए मैं पहले शुरू कर देती हूँ। छोटा वाला रूम में पहले निकाल देती हूँ, ये दोनों जाएंगे, उसके बाद फिर बड़ा वाला रूम से और बरामदा का निकालूँगी। अब क्या याद आ गया दोनों को? चलेगा। ओह, भगवान जी को प्रणाम करना भूल गए थे। कभी कभार भूल जाते, कभी कभार करके जाते हैं, यही रहता है। अभी ये दोनों स्कूल गए हैं, मेरा इनके जाने के बाद कोई काम नहीं, यही केवल झाड़ू पोछा होगा और फिर नहा के पूजा करना, चाय पीना, इतना ही काम होगा। इतने में तो इनका वापस आने का टाइम हो जाएगा, क्योंकि इस समय कम पढ़ाई हो रहा है स्कूल में, ना ही दिन में मतलब कि खाने का जो छुट्टी होता वो नहीं होता है। हर स्कूल का यही है कि 6 बजे स्कूल लग जाता है, मतलब कि जो गाड़ी आता है सुबह वाला वो 5:30-6 में आता है। सब स्कूल का यही रूटीन हो रहा है, अलग अलग कोई स्कूल का नहीं है। मतलब कि 9:30 बजे वापस आ जाएंगे, 9:30 बजते बजते वापस आ जाएंगे। जितना देर में बस मेरा यही काम होगा जो मैंने आपको बताया है, पहले मैं पूरा यहाँ से शुरू झाड़ू करूँगी तो वहाँ लास्ट तक झाड़ू निकालूँगी, और उसके बाद पोछा करना, डस्टिंग करना, वही रोज़ का रूटीन यही रहता है मेरा। ये स्कूल जाने के बाद ही ज़्यादातर झाड़ू पोछा मेरा होता है। कितना जल्दी करूँ, लगभग मेरा आजकल मैं घूमने नहीं जाती हूँ 2-3 दिन से, क्योंकि रात में भी वही आंधी बारिश हुआ है तो बाहर में पानी पानी है पूरा, इसीलिए मैं घूमने नहीं जाती हूँ। 3-4 दिन से मेरा यही छुट्टी हो रहा है, बरसात बंद होगा तभी जाऊँगी, नहीं तो बाहर में कीचड़ रहता है पूरा। तो आया मेरा झाड़ू मैंने लगा के, सुबह सुबह का कचरा यहीं इकट्ठा करके मैं फेंक देती हूँ, बाहर ही फेंक के आती हूँ, मतलब कि कचरा डिब्बा में नहीं डालती हूँ, बाहर फेंक के आ रही हूँ। अब पोछा लगाना है, डस्टिंग करना है। अभी मैं मिल रही हूँ आपको कम से कम 2-2.5 घंटा बाद। ये स्कूल से दोनों आ चुका है, मेरा सुबह वाला काम सब कंप्लीट है जो मैंने आपको बताया भी है, मतलब कि नाश्ता नहीं बना है, नाश्ता बनाना बाकी है, और साफ़ सफाई वाला, पूजा करना, ये सब काम मेरा हो चुका है। दोनों स्कूल से जाते हैं तो तैयार हो के जाते हैं, आते हैं तो रास्ता से ही मतलब कि घर में घुसने के साथ में कपड़ा निकालना शुरू कर देते हैं। अभी इसको पता नहीं है कि कैमरा चालू है, अभी पता चला, अब भागेगा, नहीं तो यहीं कपड़ा निकालना शुरू कर देता, पर कैमरा के सामने अभी नहीं निकलेगा। ये तो फिर भी थोड़ा बहुत कर देता है, फिर उसको तो बहुत ज़्यादा शर्म आता है, वो तो शर्ट भी नहीं खोलेगा। मैं यहाँ बैठ के सब्ज़ी काटूँगी, वैसे कटहल का सब्ज़ी बनाना है मुझे, तो कटहल तो पहले से मेरा काट के रखा हुआ है फ्रिज में, तो उबलने के लिए मैंने उसको चढ़ा दिया है, केवल मसाला तैयार करूँगी। और कटहल की सब्ज़ी में मसाला थोड़ा ज़्यादा पड़ता है, यही लहसुन प्याज हरी मिर्ची बैठ के यहाँ काटूँगी, वही काटने में ज़्यादा टाइम लगता है, लहसुन छीलने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। और तो कोई चीज़ मुझे आलू काटना है तो आलू तो मैं किचन में जाके काटूँगी, क्या कि केवल कटहल का सब्ज़ी नहीं बनाऊँगी, उसमें मैं आलू भी डालूँगी। मैं ज़्यादातर यही करती हूँ, आलू डाल देती हूँ कटहल का सब्ज़ी में। यहाँ मैं आ गई हूँ किचन में, पड़ा वाला कढ़ाई मैंने चढ़ाया है, क्या कि इसमें अच्छा सब्ज़ी बन जाएगा, थोड़ा मतलब कि अच्छे से मसाला तैयार हो जाएगा। अब मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया है, मैं मतलब कि कटहल को अलग से फ्राई नहीं करती हूँ, मतलब कि उसी में मैं तेल डाला है, जीरा हींग डाल के, तेज़पत्ता डाल के उसी में कटहल फ्राई करूँगी, और उसी में फिर मैं मसाला डाल के भून लूँगी। यहाँ ज़्यादातर ऐसे ही बनता है, अच्छा भी बनता है इस तरीके से, मतलब कि सूखा सब्ज़ी में मैं निकाल लेती हूँ, उसके बाद पानी डालती हूँ, सूखा भी अच्छा लगता है, सूखा सूखा सब्ज़ी इसका खाना, मतलब ना रोटी का ज़रूर है, नहीं चावल का ऐसे भी खा लो तो बहुत अच्छा लगता है। वैसे कटहल का सब्ज़ी सबको पसंद भी आता है, हालांकि मेरे यहाँ गांव में नहीं बनता कटहल का सब्ज़ी, मैंने नहीं देखा कभी। पहले मैंने प्याज काट के डाला है, एक प्याज को काट के डाला है, उसके बाद मैं इसमें आलू डालूँगी, आलू मैंने पहले ही काट के रखे हुए हैं, पानी से निकाल के मैं इसमें डाल दूँगी। मतलब कि इसमें टाइम लगा है सब्ज़ी बनने में, कम से कम सबको पता है कटहल का सब्ज़ी बनने में टाइम लगता है, पर मैं थोड़ा सा स्पीड किया हुआ है मैंने वीडियो को, फिर काट काट के आपको दिखाया है। आलू भूनने में भी 5 मिनट लगा, उसके बाद मैं कटहल डालूंगी, आलू को भूनने में 5-10 मिनट लगेगा, क्योंकि कटहल तो उबला हुआ है तो उसको सीजने में टाइम नहीं लगेगा। इसको 10 मिनट में केवल कटहल को भून लूंगी तेल में आलू के साथ, उसके बाद मसाला डालूंगी। मसाला मैंने तैयार किया हुआ है,
एक साथ ही पीस लिया है प्याज लहसुन हरी मिर्ची सबको। अब मसाला आप देख रहे हैं पूरा कटोरा भरा हुआ है। यहाँ दीदी भी है मेरे पास में, तो उन्हीं से मैं बात भी कर रही हूँ। वही आई है तो कुछ बता रही थी, उन्हीं का मैं सुन रही हूँ। क्या कि रात में मेरे यहाँ पीयूष के पापा गए थे शादी में, तो वहीं का कोई बात कर रही है, बगल का ही शादी था। अब बाहर का भी काम मैं बीच बीच में कर रही हूँ, इतना देर मतलब कि कटहल भूनने में लग रहा है, टाइम लगता है कटहल भूनने में। लाल लाल पूरा कर लूँ ब्राउन कलर का तो अच्छा लगता है। इसके बाद मैं मसाला डाल के मसाला को खूब देर तक इसको भूनूंगी, और उसके बाद इसमें मैं सूखे मसाले डाल के भून लूँगी। आज सूखे मसाले भी मैंने सभी सब्जी में डाल दिए हैं, अब ज़्यादा देर नहीं लगेगा, ज़्यादातर हो गया। टमाटर भी मैंने डाल दिया है, सूखे मसाले भी डाल दिए हैं, और ज़्यादातर सब्जी मेरा बन भी गया है। इसको मैं आपको दिखाऊंगी भी, भूनते भूनते मैंने इसका कलर चेंज कर लिया है। पहले भी आपको दिखाया था जब मसाला इसमें डाला था उस समय, अभी भून भून के इसका कलर चेंज किया है। मतलब मेहनत तो लगता है इसमें। अरे आ दीदी यहीं खड़ी हुई है, कुछ बता रही है, बहुत देर से मैं इनसे बात कर रही हूँ। यहाँ इसका इतना अच्छा खुश मतलब कि खुशबू आ रहा है, सेंट आ रहा है सब्जी का, तलक के आके देखा गया। ये देखिए इसी में से मैं सूखा सब्जी निकालूंगी और उसके बाद इसमें पानी डालूंगी। सूखा सब्जी मैंने निकाल दिया थोड़ा सा, अभी पानी डाल के अब 5 मिनट इसमें केवल खद्दा दिलवाऊँगी, उसके बाद बंद कर दूँगी। अभी गर्म मसाला डालना बाकी है, डाला नहीं है मैंने। गरम मसाला पिसा हुआ भी डालूंगी, सूखा जो मसाला था वो, और किचन किंग भी डाल दिया मैंने, इसी में रखा है मैंने गरम मसाला। इसमें हींग नहीं है, गरम मसाला है, सूखा मसाला पिसा हुआ। ये देखिए आके देख रहा है कि मम्मी क्या बना रही है, इसको खुशबू आ गया। मम्मी खुशबू आ रहा है, खुशबू आ रहा है, ये थोड़ा तुतला के बोलता है, तो इसका मजाक उड़ा रहे हैं हम लोग। इसके आगे मैं आपको सब्जी नहीं दिखा पाई, क्या कि सबको अंदर ले कर चलती हूँ। ये देखिए इनका खेल अलग ही शुरू रहता है, इसको अंदर छुप छुप के खेलना चला है। इसको आजकल पता रहता है कि वीडियो मेरा बन रहा है, बाद में अपना वीडियो अपने देखता है, मेरे फ़ोन में भी खोल के देख लेता है, हेलो आई भी करता है बैठ के, पानी का बोतल हाथ लगने के बाद तो बस मस्त रहता है। अभी उसके पापा गए हैं सब्जी लाने के लिए, तो वो आने वाले हैं, लग तो रहा है कि आ गए हैं, बाहर में आवाज़ उनका आ रहा है। अभी मैं आके बैठी हूँ यहाँ, मतलब कि सुबह से बैठने का अभी टाइम मिला है मुझे। सबका नाश्ता पानी हो चुका है, नाश्ता भी हुआ तो 11:30 बजे हुआ है। बोले 2 दिन से वही लेट काम हो रहा है, रात में भी वही आंधी पानी सब, लगभग 12:30-1 बजे शुरू हुआ था तो 2:30 बजे तक नहीं सोए हैं। मैं रात में 2:30 बजे सोई थी, उसके बाद 5 बजे तो उठना रहता ही है। आज थोड़ा लेट से उठी थी, तो ऐसे तो 4:30 बजे उठना रहता है। अभी बारिश होता है, बरसात होता है तो मैं घूमने नहीं जाती हूँ, तो थोड़ा लेट से उठती हूँ, 5-10 मिनट लेट हो जाता उठने में। हो क्या जाता है, आँख तो उसी समय खुल जाता है अलार्म में मेरा 4:30 बजे का, पर मैं जानबूझ के बाहर नहीं आती हूँ, क्या कि थोड़ी सी देर और सो ले मन में रहता है। इस समय गर्मी है नहीं तो और अच्छा लगता है। अभी भी लाइट नहीं है, रात मतलब लाइट गया है, ख़राब हो रहा है। वैसे ठीक है, कभी आ रहा है कभी जा रहा है, वही हो रहा है, पूरा ठीक नहीं हुआ अभी तक। बाबू बाबू, हम बच्चे बाहर में खेल रहे हैं, वो भी खट्टी के नीचे घुसे हुए हैं, फिर उसने दरी लगा दिया तो उसी में लेट के खेल रहा है। उसको टेंट बनाना, नीचे घुस के खेलना सबसे अच्छा लगता है। अब मेरा है ना, जब बच्चे खुश रहते तो कोई बात नहीं कर लेंगे, थोड़ी देर बाद समेट देंगे, मेरा ये नहीं, पहले इतना देर यही कर रहा था, अभी यहाँ का समेट के मन ये किया है, वहाँ कर दिया है, तो वहाँ उठ खेल के जाएगा तब कर देंगे, कोई बात नहीं है। बच्चा खेल रहा खुश है, वही काफ़ी है मेरे लिए। अभी उसके पापा बाजार गए हैं कच्चा आम लाने, मुझे बनाना है मतलब अचार तुरंत खाने वाला, जैसे बनाए और तुरंत तैयार हो जाए। मम्मी बनाती थी, आपके साथ भी होगा तो रेसिपी शेयर करूँगी। ये देखिए, ये देखिए दिखाती हूँ, ये देखिए, ये लला, ये लला काटा कर दो लला।
टाटा कर दो, पाई कर दो, पाई कर दो, पाई कर दो, पाई करते कर, पाई कर दो। अच्छा बच्चा, पाई कैसे कर, पाई ऐसे 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 कैसे करता है, करो ना। यहाँ पे उसके पापा सब्जी लेके आए, ये देखिए कच्चा आम है, जो अच्छा नहीं लगा तो फेंक दिया निकाल के। सब्जी भी लेके आए इसके साथ, और भी सामान है जो मैं आपको दिखा देती हूँ। यही कच्चा आम है, अच्छा आ रहा है इस समय, क्या कि रात में आंधी आया तो उसी से गिर गया है, तो अच्छा आम आया है कच्चा वाला भी। ये खरबूजा है, इसके बाद आया है भिंडी, जो मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, सबको पसंद आता है, इसलिए भिंडी मेरे यहाँ ज़्यादा बनता भी है, मतलब कि कोई भी ऐसा नहीं है जिसको पसंद नहीं आता है। आइए सेवई, जो नमकीन भी बनता है और सेवई का खीर भी बनता है। सब्जी, सब सब्जी आया है, मतलब कि पूरा सब्जी को मैं बाहर निकालूंगी, डलिया में धोऊंगी, आम को अलग धोऊंगी, कच्चा वाला आम है उसको, और सब्जी को अलग। ये देखिए, जो पसंद है वो खा लेगा, जो नहीं पसंद है उसको फेंक देगा, सब काम तो यही कर देगा। सब्जी धोना है तो मैं सोची थी आम अलग धोऊंगी, सब्जी अलग, तो ये सब मिक्स कर रहा है, सब कोई साथ में जुड़े हुए हैं, इसको तो सब काम करना ही रहता है। ककड़ी खाना शुरू हो गया, कोई कोई ऐसा चीज़ होता है जो इसको पसंद आता है वही खाता है, हर चीज़ नहीं खाता। ये देखिए, जो सब्जी है वो तो फेंक रहा है, ककड़ी खा रहा है। अब मैं यहाँ खरबूजा काट रही हूँ, एक छील दिया मैंने, उसी को ये खाना शुरू कर दिया चाटना। हालांकि इसको खरबूजा पसंद नहीं है, जितना देर नहीं काट के दूँगी उतना देर ये मेरे पास रहेगा, काट के दे दूँगी उसके बाद इसको पसंद नहीं आएगा। कोई कोई ऐसा होता है जो खा लेता है, ये हर चीज़ नहीं खाता है जल्दी से, सब के लिए काट के दे दूँगी, क्योंकि आया है तो मुलायम बहुत है, तो सब खरबूजा भी काट दूँगी, रखूँगी तो वो ऐसे भी रखे रखे सड़ जाएगा, तो इससे अच्छा अभी काट के मैं सबको दे दूँगी तो सब कोई खा लेंगे। हालांकि इस समय उतना मीठा नहीं आता, फीका फीका खरबूजा आता है, पीयूष लकी तो इसमें चीनी डाल के खाता है। और सबको मैं ऐसे ही दे दूँगी, इंतज़ार कर रहा है सब बैठ के यहीं, बाहर का आवाज़ आ रहा है इसमें, उसके लिए सॉरी, क्या है कि बाहर में काम हो रहा है इसीलिए इसमें आवाज़ आ रहा है। ये दोनों सुबह ही आया था, मतलब कि सुबह जब मैं अपना किचन का काम करके आई तभी से आया है। पैंट मैंने इसका निकाल दिया, बहुत देर से पहना हुआ तो खुजली इसको आ रहा था, मैंने पाउडर लगा दिया, पैंट निकाल दिया। आम को मैंने कच्चा वाला को धो के रख दिया है, अब उसका मैं शाम में अचार बनाऊंगी, इतना देर ये चलने में रखा हुआ है तो उसका पानी ख़त्म हो जाएगा, मतलब काटने के बाद मैं धोऊंगी नहीं, पहले ही मैंने धो के रख दिया उसको, जितना देर में पानी उसका सूख जाएगा अच्छे से, फिर शाम में काट के उसका अचार बनाएंगे। उसका रेसिपी मैं आपको कल की वीडियो में दूंगी, क्योंकि ये वाला वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, इसका यहीं एंड कर दूंगी। ये सब खा रहे हैं खरबूजा, सबको दे दूंगी, इसी के साथ वीडियो का भी एंड करूँगी। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए या कीजिए, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कल मिलेंगे अच्छी सी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। भेज देती हूँ मैं दुकान में बैठी हुई मम्मी भी, फिर उसके पापा भी, तो उनका मैं वहीं भेज दूँगी, यहाँ सबको देने के बाद, पहले बच्चों को दूँगी उसके बाद सबको दूँगी। तीनों काट दिया वैसे मैंने, बहुत ज़्यादा हो गया है, बच्चे का सो फ्रिज में रख देंगे, क्योंकि पूरा भी नहीं खाया जाएगा, ऐसे रखती तो ख़राब हो जाता, काट के रख रही हूँ।